हेलो गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल। आप सभी को नमस्ते और ताशिदे गुड इवनिंग। कल तो आ रहा था तू है, अब बोल रहा नहीं आ रहा। आज फिर एक राड़ा हो गया, आपको पता है कौन सा राड़ा हुआ, मैं अभी बताता हूँ आपको, ठीक है? थोड़ी देर में बताऊंगा मैं आपको जब थोड़ा फ्री हो जाऊंगा। फिलहाल अंकल के साथ चलता हूँ, शायद जा पाया तो दिखा दूंगा बंदरों को खाना देते हुए। हाँ, D296 बता दो अभी। चलो गाइस अभी मिलता हूँ आपसे, फिलहाल आओ बने रहो, मिलते हैं। हाँ, जो मैं बोलूँगा बोल रहा था वो बात ये है कि कल रात को देखो गोलगप्पे दीप आके लाइव गई हुई थी, ठीक है? अब किस बात में झगड़ा हुआ ये भी पता नहीं मेरे को, ठीक है? क्योंकि मैं सोया हुआ था, मैं उससे पहले एक दिन सोया हुआ नहीं था, तो इस चक्कर में मेरा नींद तगड़ी लगी हुई थी, मैं सो गया था, ठीक है ना? उसके बाद आधी रात को देखता हूँ बहुत शोर शराबा हो रहा है, मैंने सोचा क्या हो गया इसको, फिर देखा वो चिल्लाई जा रही है, किसके ऊपर चढ़ाई ये पता नहीं, वो तिट्टी में चिल्लाई जा रही थी, ठीक है ना? मैंने कहा चिल्लाने दे कोई बात नहीं, शायद किसी और कॉमेंट वगैरह जो लिखता है उसके ऊपर गुस्सा हो रहा होगा, ठीक है? आज अभी थोड़ी देर पहले अभी चलो उस बात छोड़ दो, वो रात की मैटर हो गई, वो तो छोड़ दो, ठीक है ना? हाँ जी एक मैटर, ठीक है, उस मैटर में बात हो गई, चलो छोड़ दो। अभी कुछ आधा एक घंटा हो ही गया वैसे, पहले जैन आया कार्तिक के पास दुकान पे, ठीक है ना? कार्तिक की दुकान पे गोलगप्पे का नंबर मांगने, ठीक है? मैं गया हुआ था बाल्टी में पानी भरने के लिए, क्योंकि यहाँ थोड़ा धूल मिट्टी उड़ता है ना, तो उसका पानी फेंकने के लिए अंकल ने पानी लेने भेजा। मैं गया, जाने के बाद देख रहा हूँ कार्तिक ने बुलाया मेरे को, इधर आइए तेरे से जैन बात करेगा। मैंने बोला हुआ क्या? गया मैं, हाँ बाबू, हाँ 10 वाला नमकीन बिस्कुट, ठीक है? गया मैं, जाने के बाद मेरे को बोल रहा है तू कैसा बंदा है, तूने अपना बंदे को संभाल के रखता नहीं है क्या तू, ये वो। मैंने बोला भाई देख, मेरे को कल रात का मैटर में कुछ पता नहीं है, मेरे को मतलब भी नहीं है, मैंने ये बोला, ठीक है? उसके बाद वो बोल रहा है एक नंबर का, मतलब ऐसा बोल रहा था वो कि भाई तू अपना बंदी को संभाल ले, तो अपना बंदी को संभाल नहीं पाता। मैंने बोला मैं सब संभालने में आ गया था, मेरा सीधा हाथ उड़ता है, इसलिए मैं नहीं बोलता भाई उसको कुछ भी, ठीक है ना? मैंने ये बोला। फिर बोलता है बहन की लूड़ी जब भी मेरे को हम दोनों को लपेट लेता है झगड़े में, ठीक है? ऐसा कुछ बोल रहा था वो, ठीक है ना? फिर उसके बाद बोल रहा है, गाली भी बक रहा था वो मेरे सामने, फिर बोल रहा है उसको मारेगा मैडम को, डोलमा को मारेगा बोल रहा है, मतलब गोलगप्पे को मारूंगा मैं, कहाँ है वो? मैंने बोला भाई मारने के बाद तक करियो मत, ठीक है? कल रात को अगर उसने जो कुछ भी किया उस मैटर में बात करना है कर लियो, और मारने के बाद मत करियो भाई। तो बोल मैं करूँ क्या बोल रहा था। तो मैंने बोला भाई मेरे को वो पता नहीं, पर मारने के बाद मत करियो, ठीक है? मैंने ये बोला। फिर लोपसांग का भी फोन आया हुआ था, उसको लोपसांग ने भी बोला मेरे को कि भाई तू अपना बीवी को संभाल ले, समझा ले, नहीं तो मैं पुलिस केस कर दूंगा, ये वगैरह वगैरह बोल रही थी, ठीक है? मैं उसके बातों में हाँ हाँ बोल के सर हिलाते गए, और ये गाली बक के जा रहा है, प्लस उल्टे उल्टे बातें भी कर रहा था। मैंने बोला चलो ठीक है भाई, मैं तेरे सामने मैडम को ला के रख दूंगा, फिर देखना मैं देखता हूँ फिर तू कैसे मारेगा। मैंने उसको बोला नहीं ये चीज़, तो मारने के बाद मत करियो, मैंने ये चीज़ बोला, मैं देखना चाह रहा था वो कैसे मारेगा ना, वो हाथ उठाएगा बोल रहा था, ठीक है? और दूसरी बात, अभी इस मैटर में बातचीत खत्म हो चुका है, ठीक है? वो आके मेरे साथ कुछ ज्यादा वक्त दे रहा, पुलिस केस कर दूंगा, ये वो फलाना ढमकाना, करने वाला इंसान करके आता हूँ सामने आके धमकी नहीं देता, ठीक है ना? वो सामने आया धमकी दिया, मैडम क्या बोलता है गोलगप्पे को मारूंगा बोल रहा था, देखना चाहता हूँ मैं भी कैसा मारेगा, पर वो चला गया दोबारा पता नहीं कैसे, क्या हुआ? दे दो। चलो गाइस अभी मिलता हूँ, थोड़ी मिलता है।
ठीक है, अब चलो छोड़ दो वो सब बातें, ठीक है ना। देखो मैं तो साफ सीधे बोलता हूँ, सामने वाला उंगली नहीं करेगा जब तक, तब तक दूसरा आदमी भी कुछ नहीं बोलेगा, ठीक है ना। तो इस कारण से बोल रहा हूँ, उंगली करना छोड़ दो, हम बोलना छोड़ देंगे, ठीक है। अभी फिलहाल अभी अंकल रेडी कर चुके हम जाने के लिए, ये देखो जा रहे हैं बंदरों को खाना देने के लिए। बस किसी का इंतजार हो रहा हूँ, वो आ ही नहीं रहा है ना। गप्पी भाई का इंतजार हो रहा है ना, सानू भाई का, सानू भाई जो है वो है हमारा अंकल का बड़ा बेटा, बड़ा बेटा है ना सानू भाई, बड़ा बेटा है, वो आएंगे फिर हम जाएंगे बंदर को खाना देने। ज़्यादा दूर नहीं यार, सिविल लाइन की तो विधानसभा के पास। तू क्या हो गया, तू सामने आके क्या सुनने जा रहा है। चलो गाइस मिलता हूँ अभी आप लोगों से, ठीक है। तो गाइस फाइनली अभी हम चल पड़े, अंकल ड्राइव कर रहे हैं, देख लो पंजाब बस्ती पहुंचने वाले। कहाँ होगा, मैं आज सप्लाई में नहीं गया, सप्लाई में भाई चला गया था, जो साथ में था ना वो भाई चला गया, आज मैं नहीं गया, आज मैं बंदर गया, बंदर को खाना देने जाना था, इसलिए अंकल के साथ बैठा हूँ दुकान पे। बस हमारा बंदा भी जमीन बंदा भी चला गया, वैसे गाँव गया भाई बंदा इस कारण से। आजा, ये आवाज लगाता है इतना प्यारा लगता है, ये आवाज लगाते है। देखो भक्के में आ रहे, आ रहे, आजा आजा आजा, इसका हाथ में चोट लगा हुआ, ये आवाज लगाती ना कितना प्यारा लगता है। आजा आजा, इसका हाथ में चोट लगा हुआ है। कैसा कर रहा देखो, ये गुस्सा दिखा रहा है वो तो अंकल को। अंकल तो चले गए, चलो तो गाइस अभी मिलता हूँ, दो मिनट काफी लंबा हो गया। तो फाइनली मिल गया, अभी जितना मिलना था हमें। कैसे करते हैं आपस में, ये देख लो अंकल के पास कितने आते हैं प्यार से खाने के लिए, देखो छीनते भी नहीं, हम देने आए तो छीनने लग जाते। ये
देखो कैसा खा रहा है। खाने वाले देख लो, ये सेकंड टाइम है मेरे मैं वीडियो बना रहा हूँ बंदर का, सेकंड टाइम है। उधर अंदर भी घर बना रखा है इन्होंने अपना। चलो गाइस मिलता हूँ अभी आप जाने का सीधा निकलते हुए, बाकी बंदर को खाना देते हुए अंकल प्लेयर में, ठीक है चलो मिलते हैं अभी थोड़ी देर में। गाइस हमारा हो चुका है खाना खिलाना वाला, अब आप जा रहे हैं वापसी। सुने नहीं देगा आप लोगों को इसलिए एक मिनट। ये लोग गाइस पहुंच ही गए फाइनली घर पे और दुकान पे, सॉरी अब मैं जाऊंगा घर थोड़ा हल्का होने के बाद फिर दुकान पे आऊंगा, फिर ड्यूटी करूंगा। इसीलिए फिलहाल आप लोग बने रहो, मिलते हैं अभी थोड़ी देर में। हाँ तो गाइस फाइनली मैं एक बात बोलना चाह रहा था कि मैं दोपहर को मैंने इसलिए नहीं बना पाया शाम के टाइम पे ब्लॉग, क्योंकि काम थोड़ा जल्दी था इसलिए मैं फ्रेश होने गया फिर वापसी आया, फिर भी बनाऊंगा ब्लॉग बना नहीं पाया, काम थोड़ा चल रहा था ज़्यादा इसलिए। तो फाइनली मैं अभी आ चुका हूँ ड्यूटी से देख सकते हो, और टाइम हो रखा है 12 हो रखा है, ठीक है। और अभी मैं घर जाऊंगा फिर देखता हूँ क्या बोलेगा वो। वैसे उसको दोपहर को बोल रखा था मैंने कि आज मैं 12 बजे आऊंगा, क्योंकि मैं दोपहर को लेट ही गया था। पन्नू बढ़िया चल ही रहा था। ये मेरा बहन है सिमन दी, और ये मेरा चीज़ है, इनका भी यूट्यूब आईडी है, मैं बाद में लिंक डाल दूंगा इनका यूट्यूब में, फिर उसके बाद आप लोग इनका भी चैनल देख लेना, ठीक है। इनका लॉन्ग वीडियो नहीं होगा, शॉर्ट वीडियो होगा, ठीक है। बाद में अगर इनको मौका मिला तो शायद लॉन्ग वीडियो डाल लेंगे, है कि नहीं। किस नाम से वो भी बता दो। मेरा नाम है कृष्णा सुवेदी से, सुन लिया। सपोर्ट करिए प्लीज। चलो गाइस मैं वीडियो को ज्यादा लंबा ना करते हुए आप लोगों से बस ये बोलना चाहूंगा कि मेरे वीडियो जितना हो सके उतना शेयर करें, और प्लीज जितना हो सके उतना लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। उसके बाद आप सभी को बाय, गुड नाइट, सिंजा नांगो।